जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एसबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग मेजर टेस्ट वन का क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्यूशन करते हैं, राइट। चलिए तो सेक्शन ए में क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक स्पीसीज इज। ठीक है, ऑप्शन में बेटा क्या क्या देकर रखे हुए, NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस। चलिए तो बेटा देखते हैं हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो सॉल्व करने का तरीका जो होगा बेटा वो ये होगा कि आप लोग सबका बॉन्ड एंगल आपको निकालना होगा। तो जैसे NO2 माइनस, अगर मैं देखूं NO2 माइनस निकालेंगे कैसे, तो आप देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का। तो बेटा इसको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है ना, आपको क्या इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्साइड्स हो या ऑक्सी एन आयन हो, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाए। जैसे बेटा यहाँ पर हम देखें कितने नेगेटिव चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव ऑक्सीजन को हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देन हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करते हैं, तो ऑक्टेट चेक करने पर हमको पता चला कि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो अगला ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमने NO2- का स्ट्रक्चर बना लिया। हमको यहाँ से ये पता चला कि नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो यहां पर ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2 और एक लोन पेयर है तो उसको हमने रख दिया। तो बॉन्ड एंगल हमको क्या मिलेगा, लेस देन 120 डिग्री। मतलब NO2- का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है बेटा, लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा क्या, NO2 का हम लोग देख लिए बेटा। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर पांच, ठीक है, नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है और एक ऑक्सीजन को ऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होता है। तो बेटा ये बहुत स्पेशल एग्जांपल है। क्यों क्यों स्पेशल एग्जांपल है, वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, पर यहाँ पर होता है। क्यों, क्योंकि जो इसका जो शेप होता है ना वो लीनियर नहीं होता, वो थोड़ा सा वी शेप होता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा, तो हमने ये माना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता होगा, और क्योंकि जब पार्टिसिपेट करता है तो कोई ना कोई एक रिपल्सन लगाता होगा, तो जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री ना होगा, थोड़ा सा ये बेंट होगा। और बॉन्ड एंगल होता है कितना है इसका, ये होता है 132 डिग्री बेटा, ये हमने याद करा हुआ है। तो NO2 जो है ना, NO2 जो है यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन फ्रीडिकल होता है बेटा, NO2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 132 होता है। और NO2 प्लस का अगर देखें बेटा, तो NO2 प्लस में अब यही आप देखें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होगा, रिलीज हो चुका होगा, मतलब अब ये N क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो इधर क्या हो गया आपके, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इधर भी सिग्मा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब NO2 प्लस का जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, NO2 का होगा 132 और NO2 माइनस का होगा 120। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो गया, NO2 प्लस, मतलब बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा NO2 प्लस। देन उसके बाद फिर क्या बेटा, NO2 और सबसे कम NO2 माइनस, लेस देन 120 डिग्री। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following molecules has highest dipole moment? Highest dipole moment बोल रहा है बेटा BF3, ये तो नॉन पोलर होगा। क्यों, क्योंकि बोरोन में तीनों फ्लोरीन जो जुड़े हुए हैं वो तीनों सेम है, साइड एटम शुड बी सेम, एंड देयर इज नो लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, ये नॉन पोलर कंडीशन है। तो बोरोन में कोई लोन पेयर नहीं है और तीनों के दोनों जो एटम है वो क्या है, सेम है। तो ये तो हो जाएगा बेटा नॉन पोलर। अमोनिया में लोन पेयर है तो ये पोलर है, NF3 नाइट्रोजन में लोन पेयर है तो ये पोलर है। B2S6 बेटा ये क्या है, B2S6 जो है ये BH3 का डाइमर है। तो ये जब डाइमर फॉर्मेशन करता है, अगेन इसके साइड एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये भी होता है नॉन पोलर। तो दो तो नॉन पोलर निकल गए, बचा NH3 और NF3। सॉरी, तो NH3 और NF3 में किसकी पोलरिटी ज्यादा है, आप लोगों को ऐसे याद तो है ही कि NH3 ज्यादा है, पर फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग कि NH3 में क्या बेटा, देखो जब भी पॉली एटॉमिक स्पीसीज होते हैं वहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का वेक्टर सम होता है। तो चलिए, तो जैसे अगर हम लोग बात करें अमोनिया में, तो लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इधर, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और बॉन्ड पेयर मोमेंट में अपन क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बेटा, ये लेस ई एन है, ये मोर ई एन है, और इसमें जो डायरेक्शन होगा वो लेस ई एन से मोर ई एन, लेस ई एन से मोर ई एन, लेस ई एन से मोर ई एन, मतलब नेट रिजल्टेंट जो होगा वो बेटा बॉन्ड पेयर मोमेंट का वो इधर ही होगा और ये भी इधर ही है। मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट का वेक्टर सम होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो बढ़ के आएगी। लेकिन यहीं पर अगर NF3 की मैं बात करूँ, NF3 तो NF3 में
NF3 में जो है लोन पेयर मूवमेंट का डायरेक्शन तो इधर हो गया, पर बॉन्ड पेयर मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? लेस इन टू मोर इन, मतलब इधर इधर। तो नेट रिजल्टेंट जो होगा बॉन्ड पर मोमेंट का वो इधर होगा और लोन पर मोमेंट का इधर, मतलब यहाँ पर बेटा घट के आएगा जो वैल्यू है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर? बेटा ये तो तुरंत आंसर आता है, जैसे अगर हम लोग बात करें C2H2, ये SP कार्बन है, SP कार्बन लीनियर होता है। CH4 टेट्राहेड्रल है, ठीक है, SP3 टेट्राहेड्रल, अमोनिया SP3 पिरामिडल, ये पिरामिडल होता है, और H2O बेटा ये SP3 होता है वी शेप, तो ये भी वी शेप है, ये भी ये वी शेप है, ये लीनियर, ये टेट्राहेड्रल है और ये SP लीनियर है। वैसे वी शेप लीनियर होता है, वी शेप भी क्या होता है? लीनियर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर? बेटा वी शेप जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको मोर देन वन अगर ऑप्शन होता तो C2H2 और H2O दोनों जाता, लेकिन लेकिन H2O का शेप लीनियर है पर उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। C2H2 में बेटा ज्योमेट्री शेप सबके सब लीनियर है, इसलिए जो सही ऑप्शन है वो क्या है? C2H2, इस ध्यान रखेंगे, है ना, C2H2, ये ऐसा, ये पूरा लीनियर है, ठीक है बेटा। अगला अगला जो है वो क्या है? विच इज स्टीम वोलेटाइल? बेटा कौन वोलेटाइल नेचर रखता है? यार ये क्वेश्चन तो ना आप लोग के दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी है और इनऑर्गेनिक में भी है। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बेटा? आपको याद होगा, आपने पढ़ा क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसकी सॉलिबिलिटी का भी क्वेश्चन बनता है, बॉइलिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। ऑर्थो नाइट्रो, इसका एसिडिक नेचर भी बनता है, आप लोगों को पता होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक ले लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। हमने यहां पे ये देखा कि देखो हमने क्या है यहाँ पर बेटा, हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ पे ये देखा कि जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, राइट, तो ये कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये अपने ऑर्थो पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसी के साथ क्या कर देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी के साथ, मतलब ये वाला हाइड्रोजन अपने ही मॉलिक्यूल में ही क्या कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये क्या शो करता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर जो बेटा ये NO2 पैरा पे है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये जो H है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो अब ये क्या करता है? तो ये विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं हो पाएगा, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट मतलब ऐसी कोई दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल एक और होगा उसके साथ करेगा, तो ये जो है ये दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लाइक ये ऐसा, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा, ये विद इन अ मॉलिक्यूल हो गया, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपने आप में ही कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपने आप में ही कर लिया, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसका होगा? ओनली वैंडरवॉल का, यहाँ पर वैंडरवॉल और क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना, और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, या वोलेटाइल नेचर क्या होगा? कम होगा, मतलब ये आसानी से वेपोराइज नहीं होगा, आसानी से जब वेपोराइज नहीं होगा मतलब वोलेटाइल नेचर जो है वो क्या है? वो कम है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनके बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कम है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ओनली वैंडरवॉल फोर्स है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसको बॉइल करने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, मतलब इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, तो बेटा ये जो है ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये वोलेटाइल नेचर रखता है, इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। पैरा नाइट्रोफिनॉल जो बेटा ये वोलेटाइल नहीं होता, ये कम वोलेटाइल होता है। ग्लिसरॉल, बेटा ग्लिसरॉल आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये प्रोपेन 1-2-3 ट्राईऑल, तो प्रोपेन 1-2-3 ट्राईऑल ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। आपको ऐसे बता दूं कि जो जो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसको ब्रेक करने के लिए अपन को अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो वोलेटाइल नेचर कम होगा, तो बेटा ये भी इंटर करेगा। एनिलीन बेटा आप लोगों को पता है कि बेंजीन में NH2 लगा दें तो देखो ये नाइट्रोजन मोरियन है, इसमें भी क्या हाइड्रोजन, ऐसा तो ये हाइड्रोजन दूसरे एनिलीन के साथ करेगा, दूसरा एनिलीन हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मतलब इसमें भी
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, बट अगेन बेटा इन सबका वोलेटाइल नेचर जो है बेटा वो कम होगा, इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, इसलिए आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। बेटा सी टू मॉलिक्यूल जो है वो डायमेंडिक, सी टू माइनस पैरा, इसका बॉन्ड ऑर्डर टू। तो वैसे तो मुझे बेटा एक बार में आंसर दिखा, अगर हम पढ़ेंगे आंसर ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। सी टू बेटा, सी टू में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आई एम सॉरी 14 कार्बन में छह होते हैं, दो कार्बन कितने हो गए 14। अब आप लोग जानते हैं एमओटी का ऑर्बिटल डायग्राम आपने देखा होगा, तो पहले होता है सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और ये आपस में दूसरे को कैंसिल भी कर जाते हैं, NB माइनस NA, तो ये इसको आप हटा दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो 14 माइनस 8 करेंगे कितने बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मैं सही जा रहा हूँ ना, 6 बार बेटा, ये हमने इसको करेक्ट नहीं करा, ये 12 हो जाएगा ना, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, वो किस में जाएगा, 1s भी फिल हो गया, 2s भी फिल हो गया, अब 2p में जाएंगे। तो 2p में जो कार्बन का जब हम लोग MOT बनाते हैं, तो ये MOT का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होगा वो ये होता है बेटा, यहाँ पर ये सिग्मा 2pz, ये होता है सिग्मा 2pz, ये होता है पाई 2px, ये होता है पाई 2py, यहां पर होता है ये सिग्मा स्टार 2pz, ये होता है पाई स्टार 2px, ये होता है पाई स्टार 2py। कुछ याद आ रहा है बेटा, ये कुछ ऐसा हमने करा था। तो अब देखो जो चार इलेक्ट्रॉन वो फिल करना है, वो कहां पे फिल करेंगे, हम यहीं पे फिल करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा, तो अब देखो, तो यहां नीचे वाले तो पूरा कैंसिल आउट हो चुके थे, यहां पर 4 माइनस 0, ऊपर तो 0 बेटा, NB माइनस NA, तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, यही बॉन्ड ऑर्डर का क्या था, फॉर्मूला था। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितने बन जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2, मतलब यार ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए 2। ऑप्शन नंबर ए C2 जो है डाया मैग्नेटिक है, मुझे बताओ बेटा C2 स्पीसीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या, नहीं, सारे के सारे पेयर्ड है, जब सारे के सारे पेयर्ड है तो स्पीसीज क्या है, डाया, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, अगर दो करेक्ट है तो आंसर तो ऑल जाएगा ही जाएगा। आप फिर भी, वैसे तो आप आंसर ले आए, फिर भी आप ऑप्शन नंबर बी को आप चेक कर लो, C2 माइनस जो है बेटा पैरा मैग्नेटिक होगा, तो C2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो C2 12 की जगह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 माइनस 8 बच जाएगा कितना, 5, और 5 जब होगा तो भरो, 1 2 3 4 5, देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो ये हो गया बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, IUPAC नेम बोल रहा है बेटा इसका, IUPAC नेम देखो ये क्या है, ये CH है, इसमें दो मिथाइल है, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और ये क्या बेटा CH2 CH2 Br। चलिए नेमिंग आप करो, तो सबसे पहले पैरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको पैरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग कहां से करेंगे, टर्मिनल एंड से करते हैं, या तो इधर से करेंगे या तो इधर से, उधर से करेंगे जिधर से लोकेट पास मिले, लोएस्ट लोकेट टूल, इधर से मिलेगा तो सेकंड पे आ रहा है, इधर से नंबर वन पे आ रहा है, तो ये नंबर वन इसको देंगे बेटा, क्योंकि दोनों ही प्रीफिक्स थे। अगर सपोज प्रीफिक्स के अलावा अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं इन दोनों को नहीं देखता, मैं देखता फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी प्रायोरिटी होती है, फंक्शनल ग्रुप की, देन उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड की, और देन फिर प्रीफिक्स की, क्लियर है क्या। अच्छा दो प्रीफिक्स सेम एड्रेस पे मिलते हैं, इधर से भी नंबर 2 पे, इधर से भी नंबर 2 पे, तब मैं क्या करता, तब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखता, जब कुछ भी रास्ता नहीं बचता तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बचा कर रखे, कब कब तक, जब कोई रास्ता हमको नहीं दिखता, फाइनली हमको आंसर लाना होता है, तभी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, अदरवाइज नहीं। यहां पर मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाया था, यहां पर मैंने प्रीफिक्स का एड्रेस देखा था, ये ब्रोमीन नंबर 1 पे आ रहा था, यहां से प्रीफिक्स नंबर 2 पे आ रहा था, राइट, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है बेटा। तो नाम क्या हो जाएगा, 1-bromo-3-methyl-butane, कहां पे है, 1-bromo-3-methyl-butane, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, IUPAC नेम ऑफ थैलिक एसिड, बेटा थैलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, ये हो गया आपका बेंजीन, और इसमें ठीक है ना बेटा 1-2 पोजीशन पे होते हैं COOH, ये भी COOH, ये भी ये थैलिक एसिड है। 1-3 पे होते तो क्या होते हैं बेटा आइसोथैलिक, और 1-4 पे होते तो टेरफ थैलिक, क्लियर है क्या। तो ये 1-2 पे है थैलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा ये बेंजीन, बेंजीन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बेंजीन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं पे है क्या, ये पहला ही है बेंजीन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार सारे ऑप्शन भी देख लिया करो, कभी ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है जिसमें, ठीक है ना, कुछ और, तो ये बेटा सब अलग अलग है, तो आंसर तो 1-2 ही जाएगा।
हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगेन आईयूपीएसी का। बेटा देखो वैसे तो मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत ना सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तब हम डबल बॉन्ड को चुनते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की हम लोग सफिक्स लगाते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड की आइन, तो इन और आइन में इन का ई पहले आता है, आइन का वाई बाद में आता है, ठीक है ना। तो अब जब दोनों साइड से अगर उनको सेम नंबर मिल रहे हो, सेम एड्रेस मिल रहा हो, तो हम लोग इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दे देते हैं, हालांकि दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो बेटा आप इधर से देखेंगे, नंबरिंग अगर करूँ 1, 2, 3, 3, 4, 5, तो आप इधर देखिए डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 4, या इधर से नंबरिंग करूँ तो 1, 2, 3, 4, इधर से नंबरिंग करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 और डबल बॉन्ड को नंबर 1 नंबर 4, मतलब दोनों साइड से 1, 4 और 1, 4 मिल रहा है, तो दोनों को सेम एड्रेस मिल रहा है, तब हम किसी एक को प्रायोरिटी देते हैं, तो किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो बस ये हो गया डबल नंबरिंग, इधर से करेंगे, नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का पेंट 1 in 4 आयन, कहाँ दिख रहा है, 1 in 4 आयन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मीजो आइसोमर्स ऑल्सो, ठीक है ना बेटा, मतलब कौन मीजो आइसोमर्स भी रख सकता है, ठीक है ना, चलो तो रखता है। तो सुनो यार, मीजो के लिए मुझे कुछ याद आ रही है दो लाइनें, क्या कि एक तो क्या होना चाहिए सर, कि दो कैरल कार्बन होना चाहिए कम से कम, और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में कैसे पता लगाऊं सर, कोई स्ट्रक्चर तो दे नहीं रखा है, तो कैसे करें। तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो तभी मिल सकता है ना, जब आप कभी नंबरिंग करें, जैसे ये कोई लाइक ऐसा अगर करें तो नंबर, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है समझ लो, जैसे मान लेता हूँ मैं OH जुड़ा हुआ है, इधर भी OH है, तो मैं जब भी पेरेंट इसका हमको अभी ओरिएंटेशन नहीं देकर रखा हुआ है, अरेंजमेंट नहीं देकर रखा हुआ है, पर आपको इतना तो सिंपल पता होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी मिल सकती है जब इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें तो इन दोनों ही OH को सेम नंबर मिले, तभी तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, यस और नो हो सकती है। तो आपको यहाँ पर वही चेक करना है कि आपको कोई ऐसा देखना है जिसमें कम से कम दो कैरल कार्बन हो, दो कैरल कार्बन हो चेक कर लो, और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर आप कैसे चेक करोगे, आप चेक करोगे कि इधर उधर दोनों साइड से वो सेम, जो भी कार्बन पे जो भी ग्रुप जैसे जुड़ा होगा उसको सेम एड्रेस मिले। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 2-chlorobutane, तो मुझे तो यहाँ पर कोई कैरल कार्बन जो है वो दो नजर तो नहीं आ रहे, 2-chlorobutane है, तो ये बेटा 2-chlorobutane ये ऐसा, तो यहाँ पर तो एक ही कैरल कार्बन है, चाहिए कितने, 2 कैरल कार्बन, तो क्या ये होगा, क्या नहीं, ये नहीं होगा। 2-3-dichlorobutane, हाँ ये मुझे सही लग रहा है, 2-3-dichloro, तो बेटा ये तो यही पे हो गया, 1, 2, 3, 4, 2, 3-dichlorobutane, तो बेटा ये भी कैरल कार्बन हो जाएगा, ये भी कैरल कार्बन। अच्छा आप लोग को ये तो पता है कि कैरल कार्बन होता क्या है, क्या होता है बेटा, किसी कार्बन पे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, मतलब जैसे कि एक H हो गया, एक मिथाइल हो गया, एक क्लोरीन हो गया, और एक जी चौथा पूरा ग्रुप ये हो जाएगा, ये तो इस कार्बन जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट, ये कार्बन क्या है कायरल, वैसे ये भी कार्बन पे, ये भी कार्बन क्या है कायरल, तो दो कार्बन हो गए कायरल, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है, क्योंकि आप इधर से भी नंबरिंग करें, इधर से भी नंबरिंग करें, दोनों ही कार्बन को सेम नंबर मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो आंसर तो यही होगा, 2-3-dichloropentane नहीं हो सकता, ठीक है ना, पेंटेन बोला है, तो बेटा यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये लाइक ऐसा, दो कैरल कार्बन तो है, पर इधर से नंबरिंग करोगे तो आपको 3-4 मिलेगा, इधर से करेंगे 2-3 मिलेगा, ये भी नहीं। 2-hydroxypropanoic acid, बेटा 2-hydroxypropane तीन कार्बन का है मुझे ख्याल से, तो बेटा इसमें तो एक ही कैरल कार्बन है, ये ऐसा, यस यही है, तो बेटा दो कैरल कार्बन है नहीं, ये भी आपको मीजो आइसोमर्स नहीं हो सकता, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आपको इतना चेक ही नहीं करना, आपको तो दिख गया, आप सीधा चार ऑप्शन में एक बार नजर घुमा लो और खट से सही करो, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, एक एक जो सेकेंड जो है ना बेटा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है इन द गिवन कन्फर्मेशन C2 इज रोटेटेड अबाउट C2 C3 बाउंड बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज बाई एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन द कंफर्मेशन ऑब्टेन इज, तो बेटा C2 को हमको घुमाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कौन से एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे, तो क्या बनेगा, तो बेटा देखो ये CH3 पीछे है, ये CH3, फिर ये बेटा ये C2 हो गया, देन फिर ये C है, देन ये C, आपको समझ में आ रहा है कैसा है, ये आपको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ये जैसे ना ये CH3 है, ये डॉट जो है ना ये CH2 हो गया, फिर पीछे ये फोर्थ कार्बन था, ये थर्ड कार्बन था, फिर बेटा जो पीछे वो ये है, ये वाला जो सर्कल जो बनाया है ना सर्कल वाला, ये हो जाएगा आपका C2 कार्बन, और इसमें दो H है, एक H, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये CH3 है, मतलब आप यहाँ से अगर जो देख रहे हो ना, ये ऐसा देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल ये ऐसा नजर आ रहा है,
ये डॉट कार्बन हो गया C3 वाला ये, और ये सर्कल कार्बन हो गया C2, और ये तो C1 CH3, ये C1 कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप इसको C2 को घुमाओगे 120 डिग्री, तो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा बेटा, मतलब इधर ये ऐसे घुमाऊंगा, तो ये CH3 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3। तो ये कौन सा फॉर्म है, गॉस फॉर्म है, गॉस स्टेगर्ड। जब CH3 जस्ट इसके पीछे होता है बेटा, इसी के जस्ट पीछे होता है CH3 के जस्ट पीछे, तो फुल्ली एक्लिप्स होता है, देन फिर गॉस स्टेगर्ड, फिर ये पार्शली एक्लिप्स, फिर ये क्या हो जाता है एंटी। तो ये कौन सा, गॉस स्टेगर्ड, कहां आंसर, गॉस कंफर्मेशन, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल। 2 pentanone and 3 methyl 2 butanone आर पेयर ऑफ आइसोमर्स। बेटा मुझे पहले समझ में आ रहा है पेंटेनोन है और ब्यूटेनोन है, 2-butanone है। तो देखो यहां पर तो क्या है ना, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आइसोमर तो है। ये हो जाएगा 2-pentanone, CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3। सबसे पहले देख लिया करो आइसोमर है भी कि नहीं है, ठीक है ना, ये 2-pentanone हो गया। और 3-methyl 2-butanone, देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला से मतलब आइसोमर्स तो है ही, ठीक है। कौन सा आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है क्या बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, मतलब ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है। चेन आइसोमर्स है क्या, यस, पैरेंट कार्बन चेन यहाँ पर 5 कार्बन के, पैरेंट कार्बन चेन यहाँ पर 4 कार्बन के, ये चेन आइसोमर्स है। स्टीरियो तो हम लोग बता नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बेटा इसका अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है, और पोजिशनल भी ये नहीं है, क्यों, पैरेंट कार्बन पोजिशनल में पैरेंट कार्बन चेन की साइज सेम होनी चाहिए, यहाँ पर सेम है क्या, नहीं है, तो पोजिशन भी नहीं होगा, आंसर है चेन आइसोमर्स। अगला सवाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन, किसमें जीआई नहीं होता। तो जीआई, सबसे पहले बेटा जीआई होने के दो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, तो एक तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब बेटा डबल बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा बेटा रिंग सिस्टम होना चाहिए, राइट। और अब इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर रिंग सिस्टम है तो इसमें जो इसमें कम से कम 2 कार्बन ऐसे हो जो sp3 हो, और दोनों में ही 2 डिफरेंट ग्रुप हो, इन दोनों में ही 2 डिफरेंट ग्रुप हो, और इसमें भी बेटा रिंग सिस्टम में क्या हो, हर sp2 कार्बन में 2 डिफरेंट ग्रुप, AB टाइप है तो ये भी AB टाइप, ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और अलग भी। तो चलिए देखते हैं क्या है, प्रोपीन कौन किसमें नहीं है, बोल रहे हैं ना प्रोपीन, बेटा पहले ही नजर आ रहा है प्रोपीन जो है CH3 CH double bond CH2। देखो इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, 1 मिथाइल और 1 H, पर इस कार्बन में दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, हमको क्या चाहिए था, अलग अलग, बेटा यही ऑप्शन है, ठीक है ना। 3, अब आप चेक कर लो 3-hexene क्या होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 1 2 3, ये 3, तो बेटा इसमें एक H होगा, इसमें एक H होगा, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, इधर इस कार्बन में इधर ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप है, मतलब ये तो करेगा शो। ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ब्यूटीन डाइओइक मतलब 4 कार्बन है, और डाइओइक बोल दे मतलब टर्मिनल भी होगा बेटा, लाइक ऐसा C double OH C double OH, और ब्यूटीन डबल बॉन्ड तो यहीं पे आएगा, तो इसमें भी एक एच, आप देखिए इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप। साइक्लिक कंपाउंड, बेटा साइक्लिक कंपाउंड शो कर सकता है, पर अब यहाँ पे कोई कंपाउंड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए बेटा हम इसको तो करेक्ट ही मानेंगे, मतलब एक तो कर तो सकता है ना, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, प्रोपीन। कैल्शियम 2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबसे सिंपल सवाल, कैल्शियम 2+, बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो जब तो एटॉमिक नंबर 20, तो इलेक्ट्रॉन भी अभी कितने हैं, 20 हैं, तो 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, आर्गन के पास है 18 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास अब कितने हो जाएंगे, 2+ से तो 10, इसके पास भी 10, क्रिप्टॉन न्यूट्रल है 36, सही आंसर है ऑर्गन, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर केमिकली डिसिमिलर, डिसिमिलर, अब एक बार फिर से देख लेते हैं, सिमिलर डिसिमिलर, तो बेटा देखिए सोडियम पोटेशियम दिया है, हाँ ये सेम ग्रुप के हैं तो ये तो सिमिलर ही होंगे। जिरकोनियम हाफनियम, ये भी सेम ग्रुप के हैं, ठीक है ना बेटा, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम, ये भी सेम ग्रुप के हैं, तो ये तीनों सेम ग्रुप के हैं बेटा। कैल्शियम और जिंक, बेटा ये अलग अलग है, कैल्शियम अलग ग्रुप का है, जिंक अलग ग्रुप का है, मतलब यही जो होंगे डिसिमिलर होंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना, ये तो ये सिमिलर है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यार ये सवाल आप देख रहे हो, एक है sp3 कार्बन, एक है sp2 कार्बन और एक है sp कार्बन, और आपको पता है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, बेटा सबसे ज्यादा कौन होगा, सी,
एसपी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ ट्रेंड्स इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। बेटा मतलब इनकरेक्ट बोल रहा है, कौन इनमें से इनकरेक्ट है? बोल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेटा सबसे ज्यादा सी एल टू, राइट, ये बहुत सही है बेटा, ये करेक्ट है। कैसे आपको पता है? वैसे तो आपको पता होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नॉर्मली अपन कैसे देखते हैं, बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो नॉर्मली अगर सोचे तो एफ टू की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, फिर इससे ज्यादा होती है सी एल टू की, फिर इससे ज्यादा होती है किसकी बेटा, बी आर टू की, और सबसे ज्यादा होती है किसकी, आई टू की, है ना। पर यहाँ पर F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो Cl2 से भी कम होती है और Br2 से भी कम होती है, मतलब F2 जो है ना यहाँ पर लाई करता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम होती है और साइज कम होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करते हैं तो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब आसानी से टूट जाता है मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको कम देनी पड़ती है, तो कितनी कम, Cl2 और Br2 दोनों से कम। मतलब ये बात तो सही है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा यस, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन हाइड्रोजन, मतलब ये भी बात सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर यस बेटा, क्लोरीन तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है ना। तो ये तो फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ये भी बहुत सही बात है, ठीक है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो बेटा यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? वैसे होनी चाहिए थी किसकी, फ्लोरीन की साइज छोटी है, पर उससे ज्यादा होती है क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग गेन करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करेगा, ठीक है ना, तो जब रिलीज करेगा या अब्जॉर्ब करेगा वही होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितना ज्यादा रिलीज करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन की साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना, क्योंकि उनमें थोड़ा सा होता है रिपल्सन। लेकिन फ्लोरीन के कंपेरिजन में क्लोरीन जो है उसकी साइज ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो वो आसानी से क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा Cl होगा, देन फ्लोरीन होगा, देन Br, देन I, तो ये वाली बात गलत है। जब गलत है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड आईपी। बेटा देखो किस मतलब सेकंड और थर्ड आईपी में डिफरेंस जो है किसकी किस में सबसे ज्यादा है, पहले आप ये समझ लो कि बेटा इसमें कैसे हम लोग देखेंगे। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, जब हम लोग किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, रिक्वायर्ड जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आईपी। तो आईपी की आईपी हमेशा क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक होगा। तो जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देंगे। सपोज जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम में क्या होगा बेटा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 1। तो जैसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हमने यहाँ पर ये आईपी 1 दे दिया, पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया बेटा ये आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, ये वाला आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा बेटा, ये खत्म हो जाएगा। अब जैसे ये खत्म हुआ अब मुझे इलेक्ट्रॉन अब मैं कहां से निकालूंगा, मैं निकालूंगा इनर वाले से, और इनर वाला अब क्या हो गया बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 8 स्टेबल इनर गैस कॉन्फिगरेशन हो गया। तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, नहीं। तो यहां पर आईपी 2 जो अब मैं लगाऊंगा प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो मुझे बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस सोडियम के केस में आईपी 1 और आईपी 2 के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हो गया, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो बस यहाँ पर वही कहानी है, जैसा फर्स्ट ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पर है 3H2 3P1, मतलब आउटर मोशन में कितनी इलेक्ट्रॉन, 3। तो 1 निकाला आईपी 1, 2 निकाला आईपी 2, 3 निकाला आईपी 3, ठीक है ना। तो आईपी 3 निकाल दिया, निकल गए। अब मैं आईपी 4 निकालूंगा तो यहाँ पर आईपी 3 और आईपी 4 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में आईपी 3 और आईपी 4 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड और थर्ड। तो चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 1 निकाला आईपी 1, 1 और निकाला आईपी 2, तो यहीं से निकल गया, तो आईपी 2 तक यहां से निकल गया। अब आईपी 3 कहां से निकलेगा, स्टेबल कॉन्फिगरेशन से। तो आईपी 3 में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो डिफरेंस आईपी 2 और आईपी 3 के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये तो हो गया सोडियम वाला, मतलब यहाँ पर आईपी 1 और आईपी 2 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा आईपी 4 और आईपी 5 के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा। चलिए ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी, सेक्शन बी में पहला सवाल जो है नंबर एंड टाइप, बेटा ये नंबर एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई है,
सिग्मा एंड पाई बताना है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। इसमें बेटा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, सी ए सी टू होता है बेटा। तो आप देखो ये सी ए प्लस टू है और ये सी टू माइनस टू है, इस पर जितना चार्ज होगा बेटा उतना इस पर डाल देना। कैल्शियम प्लस टू शो करता है तो प्लस टू जितना, तो इधर उतना ही माइनस टू, तो ये हो गया। अब क्या बेटा, तो अब ये देखो सी टू माइनस टू में क्या होता है, आप इसको MOT से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो बेटा आप सी टू एच टू का, आप ऐसे भी सी टू एच टू जानते हो ना, सी टू एच टू दो एच निकलेगा तो दो नेगेटिव आएगा, तो आप इस तरीके से आप देखो तो ये हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, और यहाँ पर कैल्शियम टू प्लस है, तो बेटा यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा हो जाएगा और दो पाई हो जाएगा, एक सिग्मा दो पाई। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल। Which of the following have identical bond order? किसका 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 बॉन्ड ऑर्डर क्या बेटा आइडेंटिकल है? और आपको एक बात बता दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो और ऑप्शन में अगर देखें कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, बेटा आप लोग ना इसको चेक कर लो कि कौन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये चीजें एकदम याद होनी चाहिए। क्या कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं ना, उनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम होती है। तो आप देखो कि किसमें किसमें कितना कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें क्या है कार्बन में होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन छह और ये सात, सात छह तेरह और एक चौदह, मतलब सी एन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। ओ टू माइनस में अगर देखें तो बेटा तो कितने हो गए, एट और एट 16, ठीक है ना, और एक 17, इसमें है बेटा 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा, सात और आठ और सात कितने हो गए, 15, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब 14, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सी एन प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, 6 + 7 = 13 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना, 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड है। किसमें किसमें, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें है और इसमें है, फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें साथ में सेकंड भी है, तो सेकंड बेटा कौन सा था, ये O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन। क्या ये भी आइसोलेक्ट, क्या इनके भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है क्या, नहीं है, O2 माइनस का 1.5 होता है। आप लोग एक ट्रिक भी ध्यान रखते होगे, अगर हम लोग वैसे तो हम लोग निकाल सकते हैं, पर एक ट्रिक के थ्रू भी आप निकाल सकते हो क्या, कि जैसे 14 जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, अब जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होते जाता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, याद है ना बेटा ये आप लोग को ट्रिक। तो देखो यहां पर हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5, तो 17 इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, तो इसका तो 1 तो ये तो इसके संदर्भ नहीं कर, सही आंसर है ए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कम भी करते जब चलते हो ना, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम होते जाता है, मतलब इधर भी कम होता है ऊपर भी 0.5 से कम होते जाता है, ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, ये बेटा देखो फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को हम लोग पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे, देन हम लोग लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन देखते हैं, लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को आपको पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही चाहिए, भले ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना तो कर जाओ। तो देखो यहां से आप स्टार्ट करेंगे और बेटा यहां पे खत्म करेंगे, क्योंकि इसको इंक्लूड करना है, तो पैरेंट कार्बन चेन 1, 2, 3 कार्बन का हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2-ethyl 3 कार्बन का प्रॉप 2-ईन ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा 2-ethyl कहां पे, ये 2-ethyl प्रॉप 2-ईन ओइक एसिड, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था इस बार के टेस्ट का, यहां पर पूछा है कि ABC के बीच में क्या रिलेशन है। बेटा मैं आप लोगों को फिर से पहले बता दूं, सही तरीका सॉल्व करने का जो होता है ना वो RS कॉन्फ़िगरेशन है, और RS कॉन्फ़िगरेशन भी आप कैसे निकालें, IUPAC जब नंबरिंग करते हैं ना तो आप देख लें कि जो भी कैरल कार्बन है उसको कौन सी नंबरिंग मिल रही है, कौन सी नंबरिंग, मतलब आपको मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं क्या, कि जैसे यहां पर IUPAC नंबरिंग करेंगे तो बेटा COOH और इधर इस्टर है, किस कौन ज्यादा मतलब प्रायोरिटी रखता है, ये तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, मतलब ये वाला कार्बन नंबर 2 है, ये वाला नंबर कार्बन 3 है। इसमें अगर देखें तो ऊपर से अगर हम लोग आए तो ये नंबर 1 करेंगे तो ये 2 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2-3 यहाँ पर नीचे से ऊपर होगा, यहाँ पर 2-3 ऊपर से नीचे होगा, तो ऐसा। तो आप इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं वैसे तो, मतलब लेकिन इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। यहाँ पर अगर देखें बेटा, अब आप देखो एक चीज मैं आपको पहले से बता रहा हूं कितना सिंपल हो जाता है, इसमें दोनों OH सेम साइड है, इसमें भी दोनों OH सेम साइड है, ठीक है ना बेटा, तो ये दोनों आपस में क्या है बाद में देखेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ या इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा। देखो तो देखो दो चीजें होती है, जब भी दो आइसोमर्स अगर होंगे तो या तो वो मिरर इमेज होंगे या तो वो मिरर इमेज नहीं होंगे, समझना बात को, या तो वो मिरर इमेज होंगे या तो वो मिरर इमेज नहीं होंगे। अगर वो मिरर इमेज है, अगर वो मिरर इमेज है, ठीक है ना, तब आप चेक करना कि क्या वो सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है,
ठीक है, अगर वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तब वो आइडेंटिकल होंगे, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तब वो इनेंशियोमर्स होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल है तब वो इनेंशियोमर्स होंगे, और सुपर इम्पोजिबल है तो वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है क्या। और जो मिरर इमेज ही नहीं होंगे वो डाइस्टीरियोमर्स होंगे। वो क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर्स। मतलब क्या? मतलब ये जो सी है ना, सी जो है वो चाहे ए के साथ हो चाहे बी के साथ हो, ये इसके साथ डाइस्टीरियोमर ही होगा। तुरंत आंसर आता है, मतलब सी के साथ, सी ए के साथ चाहे बी के साथ, तो सी का कोई ऑप्शन ये है, सी ए के साथ इनेंशियोमर्स। बेटा गलत है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार आप देखो ना, इसमें OH क्या है, अपोजिट साइड, एक राइट में एक लेफ्ट में, इन दोनों में ही, इसमें भी राइट में, इसमें भी राइट है, तो यार ये तो वैसे भी बात गलत हो गई। सवाल अब ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में क्या है, चलिए देखते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये देखो, ये या तो मिरर इमेज है या तो मिरर इमेज नहीं है, तो मुझे बताओ क्या ये मिरर इमेज है कि नहीं है। तो एक्चुअली ये मिरर इमेज है, मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आरएस से अलग। आरएस में कई बार समय लगता है, पर सही चीज है वो, आप करना तो आरएस से ही चाहिए, पर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ एक बार फास्ट, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करें, और मैं आरएस भी बता दूंगा, यहां पर आप क्या करें बेटा, देखो इधर सी डबल ओ एच है, लेकिन यहां पर सी डबल ओ एच ऊपर है, यहां पर ईस्टर ऊपर, लेकिन यहां पर ईस्टर नीचे है। तो आप क्या देख पा रहे, क्यों ना अगर इसको मैं फिशर को, आपको पता है फिशर को आप 180 डिग्री इस एक्सिस के घुमा सकते हो, ठीक है, इससे फिशर गलत नहीं होता। जैसे अगर मैं ये बोलूं, फिशर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है, अबाउट द प्लेन, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी एक्सिस के थ्रू इसको मैंने ऐसा घुमा दिया 180 डिग्री, तो पहले जो अबाउट द प्लेन था वो बाद में भी रहेगा अबाउट द प्लेन, और वर्टिकल लाइन होता है बिलो द प्लेन ऐसा। तो अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊं, तो 180 डिग्री घुमाने के बाद भी ये बिलो द प्लेन ही रहेगा, मतलब 180 डिग्री घुमाने पर फीचर गलत नहीं होता। तो अगर मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो मुझे बताओ बेटा ये कैसे होगा, दोनों OH राइट में थे तब लेफ्ट में आ जाएंगे, ईस्टर ऊपर आ जाएगा, COOH नीचे आ जाएगा, तो ये तो मिरर इमेज हो ही जाएंगे ना, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं। अब ये मिरर इमेज हैं तो कैसे चेक करें कि इनेंशियोमर्स है कि आइडेंटिकल, डाइस्टीरियोमर्स तो नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, आपको किसी भी एक कंपाउंड में चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव है, तो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है, ठीक है ना, वो उसके साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव, बेटा हम लोग पढ़ती है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर क्या, क्या पढ़ते हैं, इनेंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर इनेंशियोमर्स, और इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है बेटा। तो सुनो मेरी बात, तो अगर मैंने ये आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा आप देखें, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मिरर इमेज है कि नहीं है, ये मिरर इमेज है, ठीक है ना। दूसरा कि अभी मिरर इमेज है तो या तो सुपर इम्पोजिबल होगा या तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, तो आप क्या चेक करें, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी एक कंपाउंड देखो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो मुझे बताओ बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री से। मुझे बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मुझे बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, है क्या, नहीं है बेटा, इधर ईस्टर इधर एसिड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव का जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, वो इनेंशियोमर्स होगा। मतलब ए एंड बी जो है बेटा, आई एम सॉरी आइडेंटिकल लिखा हुआ है ना, कहाँ इनेंशियोमर्स, ए एंड बी आर इनेंशियो, आंसर डी, ये गलत है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आप लोग आरएस कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बेटा, आप इसका कॉन्फिगरेशन निकालो, ठीक है ना, ये टू का निकलेगा जो भी है, वन टू थ्री, तो ये वन से टू, टू से थ्री, क्लॉक वाइज में आर, फिर ये टू, तो ये टू एस मिलेगा, ये थ्री आर मिलेगा, है ना, एक दो तीन, हाँ टू एस थ्री आर मिलेगा। और यहां से अगर देखेंगे तो ऊपर वाले का आपको मिलेगा टू, ये टू आर मिलेगा और ये थ्री एस मिलेगा, तो टू एस टू आर, थ्री आर थ्री एस, ये इस तरीके से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका इनेंशियोमर्स, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहे बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द थ्री मेन कंफर्मेशंस ऑफ टू फ्लोरो इथेनॉल। बेटा टू फ्लोरो इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, ये हो जाएगा आपका सी एच टू, सी एच टू ओ एच, और ये एफ। बेटा देखो जनरली एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जनरली, पर ऐसे कंपाउंड जिसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें जो गॉस फॉर्म होते हैं, गॉस कंफर्मेशन जो होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ क्या बेटा इसमें इंट्रा हो सकती है, क्या हो सकती है, हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
तो ये कैपेबल है और दूसरे बॉन्ड में सकता कर सकता है, हाइड्रा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। तो यहाँ पर जो है ना बेटा, ये अगर मैं इसका नंबर वन कार्बन, इसका नंबर टू कार्बन दे दूँ, तो ये नंबर वन कार्बन में ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया एच एच, ठीक है ना, ये डॉट फॉर्म हो गया बेटा, ये इसको आप डॉट बना लो, और ये हो जाएगा सर्कल, सर्कल वाला ये सेकंड कार्बन हो गया, इसमें ये ओ एच बेटा ये गॉस फॉर्म में जब रखोगे ना तो ये ऐसे होगा। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होता है गॉस फॉर्म, देन फिर अब आता है एंटी, और फिर सबसे कम होता है एक्लिप्स। तो गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा गॉस फॉर्म ये है, ये गॉस फॉर्म, देन एंटी, देन एक्लिप्स, मतलब सबसे कम एक्लिप्स, देन एंटी, देन गॉस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान में रखना, आप लोग को क्या दिया होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर क्या है, ऑप्टिकल है, आइसोमर्स है, ठीक है ना बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स है कि पोजिशन आइसोमर्स है कि चैन बेटा। सबसे पहले ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, देखो यार आप लोग ऑप्शन पहले देख लिया करो तो तुरंत क्लियर हो जाता है। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, कीटोन फ्रक्टोज कीटोन होता है, तो जब फंक्शनल ग्रुप ही अगर डिफरेंट हो गया तो आंसर क्या जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, बेटा X और X माइनस के बीच में दिया हुआ है, आपको पता है कि एन आयन जो होता है हमेशा अपने पैरेंट एटम से बड़ा ही होता है, तो X माइनस आयन इज लार्जर इन साइज देन X एटम, तो ये पहला ही सही है, X प्लस लार्जर गलत है, X प्लस आयन इक्वल गलत है, X प्लस लार्जर, हाँ ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज क्या करेक्ट। अरेंज सल्फर ऑक्सीजन एंड सेलेनियम इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, लाइक इतना भी लिख लिया मैंने, नाइट्रोजन, ठीक है ना बेटा, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, लाइक बेटा आपको पता है कि जनरल वैसे तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी कम होती है, लेकिन लेकिन सेकंड जो होते हैं, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी थर्ड से कम होती है, मतलब फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से कम होती है, लेकिन लेकिन चाइल्कोजन फैमिली में ऑक्सीजन की ईए पूरे अपने सबसे जितने भी इसके ग्रुप में एलिमेंट्स हैं बेटा वो सबसे कम होती है, मतलब सबसे ज्यादा होता है सल्फर, देन सेलेनियम, और देन फिर और भी आगे नीचे वाले आएंगे, और देन फिर ऑक्सीजन, मतलब अगर तीन स्पीसीज दिया हो तो सबसे ज्यादा होगा सल्फर, देन सेलेनियम, और देन फिर ऑक्सीजन, ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा ये हो गया, तो ये हमारा मेजर टेस्ट वन का हमने क्वेश्चंस के हमने आज सॉल्यूशन देखे, अगला जो पेपर होगा वो हम आगे फिर से इसके सॉल्यूशन डालते जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।